माशाल्लाह दोस्तों, बड़ी मच्छी आज की बड़ी है। क्या साइज है? सो उठाऊं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नए स्पॉट पे हूँ, दूसरी तरफ खेल रहा हूँ, तो एबीएस फिशिंग बाइट पे खेल रहा हूँ। एबीएस फिशिंग बाइट है और इसमें थोड़ा हलवा मिला लिया सो है। आप लोगों को अगर हलवा होना है या एबीएस फिशिंग बाइट होना है तो आप लोग इसाक भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। शॉप के वीडियोस है, आप शॉप के वीडियोस देखो, और मोबाइल नंबर है, उनको व्हाट्सअप करो या कॉल करो। देखेंगे दोस्तों शिकार कैसा होता। ठंडी बहुत बढ़ गई, शिकार बहुत ना के बराबर चल रहा, फिर भी हमारा काम है आना, आ रहे शिकार कर रहे, आप लोगों को बता रहे, देखेंगे। वहाँ बैठ जाओ जी, हल्लू जाके क्या है साइज? माशाल्लाह दोस्तों, बड़ी मच्छी आज की। साइड से बैठी गल देख सकते हैं आप लोग, आंखी में बैठी दोस्तों, नीचे बैठी है। ये चले जाने वाली मच्छी थी, अगर नहीं गई है, अब देख सकते हैं इसको कहाँ का लगा। ये यहाँ लगा, पहले इसके नीचे लगा, देख सकते हैं आप लोग, नीचे लग के फिर साइड तक फट गया, फिर साइड में पलटे बाद में आंखी में घुसी। ये मच्छी शायद अपने को आने वाली थी, इसलिए नीचे भी लगा, साइड में भी लगा, आंखी में भी लगा, ऐसा लग के आ गई है। ये किलो की रहती दोस्तों, क्या ताकत लगा रही मच्छी, किलो से बढ़ के है। ये किलो की रहती, बट देखिए दोस्तों और भी। क्या साइज है? सेम साइज की थी, पहले चले गई सो, इससे बड़ी थी, छुट गए सो, इससे बहुत बड़ी थी उन्हें। रुपये हाथ से उठाऊं? माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, 250 की है, बढ़ के जी 250 से 3 किलो की रहती, मार परफेक्ट बैठा, सेम मच्छी दोस्तों चले गई। इससे पहले वो वीडियो मैं शूट नहीं करा और आया भी नहीं, पूरा लपट गया, धो भी
दो सिंगों का भी देख सकते हैं साइज, बेहतरीन साइज है और ताकत भी जबरदस्त ताकत लगा रही मच्छी। तीन किलो के ऊपर है साइज, साइज साफ आ रहा ना, पूरा नेट। देखिए दोस्तों और भी, ये दूसरी मच्छी है, इससे बड़ी छूट गए, इससे बड़ी चली गई, चलेगी वो तो गल सीधा हो गई, गल सीधा होने की वजह से चलेगी वो मच्छी, बहुत ताकत लगा रही दोस्तों, बर्दाश्त नहीं कर सकते ताकत। चलो मुबारक, काले में शिकार नहीं हो रहा, खाली सा फिर भाई कुछ हो रहा है भाई, सब होता है। गुच्छा है ना, गुच्छा दिख रहा मेरे, वो तो ऊपर भी नहीं आ रहा, खींच रहा पानी में दबा के, सही भी रोई मैं छोड़ रहा हूँ, ये बाजू का सिंह फेंक दो निकाल के तुम्हारा। हाँ मैं ठीक भी नहीं दे सकता, अरे एक मिनट उधर उधर आके निकाल दे, ये शायद बुच्छा दिख रहा दोस्तों, क्यों बोले तो देखो इतनी देर से ऊपर नहीं आ रहा, बुच्छा जल्दी ऊपर नहीं आता पानी के। हाँ इधर 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 लेके आता हूँ पहले, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते अपने। बराबर छोटा है, अरे मृगल है, मृगल छे ना, हाँ देख सकते दोस्तों पानी के ऊपर नहीं आए तो हम लोग बच्चा समझ रहे थे, इसकी पीठ पे लगा मार, एक किलो की मृगल है, पीठ पे मारने लगने से ऊपर नहीं आई दोस्तों, बच्चा भी बच्चा वो तो कतला कतला भी मार रखते कि ऊपर नहीं आता, बहुत आसानी से नहीं आता, तो उसको भी वक्त लगता ऊपर आने के लिए, मैं वही समझा था पर मृगल लगी। बहुत लट्टू बैठा उसने, देखेंगे दोस्तों और भी, ये तो मेरी तीसरी मच्छी है, ये दोस्तों हमारे सालम भाई मारे, क्या है नहीं मालूम, लाइट आ रहा बहुत, बच्चा है दोस्तों, मुबारक, तो प्यार से लेना पड़ेगा, अरे बैठ गया उसको, अच्छा अंदर बैठा गल, मुंबई बैठी गल, मुबारक, हाँ हाँ एक मिनट क्रॉस नहीं हुआ अभी तक, रुको जरा, ऐसे काम करे तो हाँ
माशाल्लाह दोस्तों, ये 2 से 2.5 किलो रहता हमारे सालम भाई मारे भड़के, देख सकते आप। मुंह में बिठा दिए गलपुरी, उसको मैं हैंडल करा। सबीर भाई 4 किलो रहता है साइज, 4 किलो रहता। हाँ पक्का 4 किलो रहता जी, तुम्हें वो गल मुंह पे बैठा बोल के समझ में नहीं आ रहा। देख सकते हो मार पड़े हुआ है, उसकी ऊपर भी पीठ के ऊपर मार पड़े हुआ है। ये शूट कर रहे थे हमारे सालम भाई छे। देखो दोस्तों गल कैसा लगी, पूरा मुंह में थी, ये थोड़ा हला हला के बाहर लाया। हाथ में से पिछल के फिर पानी में फाल देगा, एक बार हाथ में आ गया तो नहीं जाना। ये तकरीबन सालम भाई बोल रहे हमारे 4 किलो, और मेरा अंदाजा तो 3.5 किलो 3 किलो रह सकता। नहीं बोल सकते दोस्तों, तोले तक तराजू नहीं है, जबान से खाली बोलना पड़ता इतना रह सकता। अंदाजे से बोलते हम लोग, बहुत जने बोलते कम बोलते, बहुत जने ज्यादा बोलते, वो तो होते रहता शिकार में। छोटे मच्छियां भी एक एक बार खुशी से बढ़ के भी बोल देते दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। आप लोग अंदाजा लगा ले सकते कितना रहता। से पुश कर रहा था मैं। पूरी तैयारी से आया भाई, ये आज का शिकार है दोस्तों। देख सकते हैं ये हमारे सालम भाई की सिंग पे मारे से है बच्चा, और ये एक रोह है। बहुत मच्छियां मिस हो गए दोस्तों, नहीं ला सके ऊपर। क्यों बोले तो जरा मच्छी नरम हो गई, मारते किच उसका चमड़ा फट जा रहा, फट के मच्छी मिस हो जा रही। पहली मच्छी तो बहुत बड़ी रोह थी, चले गई वो। हेलो वैसी पकड़ो, ये मजे ले तुम। इंशाल्लाह देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट शिकार में, नई जगह नए स्पॉट पे। जो भी चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको इसी तरह के रिलेटेड फिशिंग और फिशिंग बाइट वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।